हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एडुबिला पॉइंट लेट्स स्टार्ट आवर वर्सिट एंड आवर वर्सिट इज ट्रिपल वन मतलब एक सौ ग्यारह आज हमारी वर्सिट है एक सौ ग्यारह और ये है क्लास चार क्लास फोर की वर्शिट जिसमें हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और आपका बुक होगा मेरी गोल्ड एंड यूनिट है यूनिट वन नेहाज अलार्म क्लॉक यह चैप्टर है तो चलिए आज इससे हमें कुछ बातें जाननी है तो हम देखते हैं हमें क्या जाननी है यहाँ आपके वर्कशीट में कहा जा रहा है गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स लिस्ट ए फ्यू एक्टिविटीज़ दैट यू इन्जॉय डूइंग विथ देम यहाँ कह रहा है कि क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना मतलब टाइम बिताना पसंद करते हैं तो बच्चों मुझे जहाँ तक यह विश्वास है और कि बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स तो सिर्फ प्यार करते हैं बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों को घूमने ले जाते हैं बच्चों के साथ बच्चों जैसी बातें करते हैं और फिर बच्चों को वो ढेर सारी चीज़ें भी लाकर देते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स सारे बच्चों को पसंद आते हैं आई होप आपको भी पसंद होंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स तो ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब समझते हैं ना दादा दादी नाना नानी ना, ये सब ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं अब कराए लिस्ट ए फ्यू एक्टिविटीज़ दैट यू इंजॉय डूइंग विथ देम आप कुछ एक्टिविटी लिखिए जो आप उनके साथ इंजॉय करते हैं आप अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ घूमते हैं तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज हो सकती है आप क्या क्या करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वॉकिंग पर जाते हैं घूमने जाते हैं तो हम नंबर वन में वॉकिंग लिखेंगे वॉकिंग उसके बाद नंबर टू देखते हैं नंबर टू में क्या करते हैं तो वॉकिंग के बाद टॉकिंग भी करते हैं तो हम यहाँ टॉकिंग लिखेंगे कि हम सभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टॉकिंग करते हैं बातचीत करते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही अच्छी बातचीत और बहुत ही प्यार से बच्चों के साथ बातचीत करते हैं तो ये वॉकिंग हो गया टॉकिंग हो गया और उसके बाद क्या होता है मुझे तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्लीपिंग करना भी अच्छा लगता है तो मैं उनके साथ सोता भी हूँ और जब बचपन में था तो उन्हीं के साथ सोता था तो यहाँ मैं स्लीपिंग लिखूंगा क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सोना अच्छा लगता है क्योंकि रात को वो कहानियाँ जरूर सुनाते हैं तो हमने तीन काम कर लिए ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वॉकिंग टॉकिंग एंड स्लीपिंग एंड नेक्स्ट फोर देखते हैं और फोर जो पॉइंट है इसमें मैं आ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही खाना खाता था आप लोग भी खाते होंगे तो इसमें फॉर्म में मैं ईटिंग लिखूंगा क्योंकि मैं उन्हीं के साथ खाना खाता था तो आप ईटिंग लिखेंगे और आप लोगों को भी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खाना खाना चाहिए आपको देखना चाहिए कि वो खाने में क्या क्या चीज़ें खाते हैं उनको क्या पसंद है और आपको क्या पसंद है तो यहाँ चार ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ करते हैं वॉकिंग टॉकिंग स्लीपिंग एंड ईटिंग तो आई होप आप लोग भी करते होंगे क्योंकि सबके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और सबको प्यार करते हैं अब है लेट्स रीड अलाउड करा है यहाँ जो बातें लिखी गई हैं आप उनको अलाउड पढ़िए मतलब बोल बोल कर थोड़ा जोर से बोल कर पढ़िए तो यहाँ जो बातें हैं उनको हम देख लेते हैं नेहाज ग्रैंड फादर टोल्ड हर अबाउट हीज चाइल्ड डेज नेहा के ग्रेंड फादर उससे अपने बचपन के दिनों को बता रहे थे कह रहे थे वेन ही यंग जब वह यंग थे युवा थे ही एस्टेड इन ए स्मॉल विलेज सिचुएटेड इन hills ऑफ उत्तरांचल वह एक छोटे से गांव में रहते थे जो उत्तरांचल के पहाड़ियों में सिचुएटेड था अवस्थित था तो इस तरह से आपने देखा कि नेहाज ग्रैंड उससे अपने चाइल्डहुड की बात बता रहे थे और वह जब यंग थे तब वे लोग उत्तरांचल के एक छोटे से पहाड़ियों वाले गांव में सिचुएटेड थे पहाड़ियों वाले गांव में रहते थे और आप जानते हैं कि पहाड़ियों वाले गांव कितने अच्छे होते हैं सुबह शाम पहाड़ दिखते हैं वंस ही हैड गोन विथ हिज फैमिली टू सी वैली ऑफ फ्लावर्स एक बार वह अपने परिवार के साथ फूलों की घाटी देखने गए और उत्तरांचल की सबसे मशहूर घाटी है फूलों की घाटी यह काफ़ी सुंदर होती है दे वेयर ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप और वे सभी इस ट्रिप के लिए इस घूमने वाले ट्रिप के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे उत्साहित थे कि हम फूलों वाली घाटी देखने जा रहे हैं और आई होप अगर आपको भी ले जाया जाए तो मैं समझता हूँ कि आप भी काफ़ी उत्साहित होंगे क्योंकि फूलों वाली जो घाटी होती है काफ़ी अच्छी लगती है और देखने में तो इतनी सुंदर लगती है कि आपने शायद ही दूसरा कोई सीन वैसा देखा हो उसके बाद देयर वेयर वाइड एरियाज कारपेटेड विथ द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स अगर वहाँ पर बहुत बड़े भाग पर चमकीले फूलों पीले फूलों से जो एरिया था वो ढका हुआ था कारपेट जैसा लग रहा था कि पूरा कारपेट बिछा हो पीले फूलों का इट वॉज़ लाइक ए ड्रीम और यह सपनों जैसा था यह कैसा दिख रहा था यह सपनों जैसा वास्तव में इस तरह के तो कोई जगह हमें धरती पर ऐसे दिखते नहीं हैं क्योंकि इतने लंबे एरियाज़ में एक ही तरह के फूल खिले हों यह एक अजूबा रहा होगा द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई और जो सूरज था वह आकाश में काफ़ी चमक रहा था मतलब कि उसकी जो चमक थी उस समय बहुत कुछ ज़्यादा ही थी और पहाड़ियों पर जब आसमान साफ होता है तो सूरज की किरणें काफ़ी अच्छी लगती हैं और उसकी चमक भी काफ़ी अच्छी लगती है तो जब येलो फ्लावर्स पर सूरज की किरणें येलो येलो सूरज की किरणें पड़ रही होंगी तो आप समझ सकते हैं कि, कि कितना मनोहारी दृश्य होगा और देखने में कितना अच्छा लगता होगा द एयर वॉज़ फ्रेश एंड क्लीन चूँकि वहाँ चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे तो वहाँ की जो हवा थी वो फ्रेश और क्लीन थी ताज़ी और साफ थी दे वे आर ऑल वेरी हैप्पी टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस वैली ऑफ फ्लावर्स वे सभी फूलों की घाटी में प्रकृति की सुंदरता को देखकर बहुत खुश थे डू यू नो दैट दिज फ्लावर्स ब्लूम वनली फॉर ए फ्यू वीक्स इन एयर क्या आप जानते हैं कि ये जो फ्लावर्स हैं साल में बस कुछ सप्ताह के लिए ही खिलते हैं सालों भर या नहीं दिखते हैं इसलिए हमें कभी उनका आनंद लेना चाहिए तो उसके नेहा के दादा जी ने ये आनंद लिया था और नेहा को इसके बारे में बताया था हमारे दादाजी भी या आप लोगों के दादाजी भी बहुत सारी ऐसी बातों को बताते होंगे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ऐसी बातों को बताते होंगे जिसने जिसे कि आपने नहीं देखा होगा जैसे वो लोग बगीचे में घूमते थे बगीचे में आम बीनने जाते थे चुनने जाते थे या फिर जो पहाड़ी इलाकों के थे सेव के बगीचे में जाते थे तो इस तरह के काम तो हम करते नहीं हैं लेकिन दादाजी के मुख से या ग्रैंड पेरेंट्स के मुख से इन सभी बातों को हम सुनते हैं जो वो कर चुके हैं अब नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंसेज फ्रॉम द पैसेज ए वॉ बाई फिलिंग इन द मिसिंग वर्ड अब यहाँ मिसिंग वर्ड से इन सेंटेंसों को फिल करके आपको पूरा करना है तो यहाँ देखिए यहाँ ए नंबर है ए है वेन ही डैश यंग ही एस्टेड इन ए स्मॉल विलेज सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल आपने पढ़ा है कि जब वह यंग थे तो वेन ही वाज यंग इसमें क्या होगा वाज होगा वेन ही वाज यंग जब वह युवा थे ही स्टेड इन ए स्मॉल विलेज वह छोटे गांव में रहते थे जो सिचुएटेड था सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल जो उत्तरांचल की पहाड़ियों में अवस्थित था उसके बाद बी है दे डैश ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप दे वेयर यहाँ होगा दे वेयर दे वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड वे सभी काफ़ी उत्साहित थे फॉर दिस ट्रिप इस ट्रिप के लिए वे सभी काफ़ी उत्साहित थे एंड नेक्स्ट है सी सी है कि आई वाज लाइक ए ड्रीम सॉरी इट वाज लाइक ए ड्रीम मतलब कि यह सपनों जैसा दिखता था नेक्स्ट डी डी इज द सन वाज साइनिंग यहाँ होगा द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई सूरज आकाश में चमक रहा था द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन हवा साफ और ताजी थी हवा साफ और ताजी थी उसके बाद बी है बी में हमें क्या करना है करा कि डेड यू नोटिस द वर्ड्स दैट यू हैव फील्ड एब आपने ऊपर जो अभी वर्ड्स फिल किए आपने नोटिस किया है अस टेल यू मोर अबाउट देम अब मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा आपको बता रहा हूँ वाज एंड वेयर आर पास टेंस फ्रॉम द पास टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी हाँ अब देखिए ये जो हमने फिल किया है ये सारे आ, पास्ट टेंस के वर्ड थे वाज एंड वेयर तो वाज़ एंड वेयर को हम कब कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में जानेंगे द वर्ड वाज इज जनरली यूज विथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स ये वाज़ वर्ड जो है यह हमेशा सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स किसी एक वचन वाले वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है अगर कोई भी वस्तु एक होगी जैसे देखिए आप द दे एयर वाज लगा था ना द सन वाज लगा था एंड दे वेयर तो दे एक से ज़्यादा था तो वहाँ वेयर का प्रयोग हुआ था तो कोई भी वस्तु जब एक होगी तो उसके साथ वाज का प्रयोग होगा और एक से ज़्यादा होगी द वर्ड वेयर इज यूज विथ प्लूरल ऑब्जेक्ट्स अब जब एक से ज़्यादा कोई भी वस्तु होगी प्लूरल फॉर्म में होगी तो वहाँ पर हम वेयर का उपयोग करेंगे दे वेयर समझ गए उसकी प्रकार आई के साथ वाज का प्रयोग होगा एंड वी के साथ वेयर का प्रयोग होगा ही सी इट के साथ वाज का प्रयोग होगा आप देख रहे हैं ही सी इट के साथ वाज का प्रयोग हो रहा है और दे के साथ वेयर का प्रयोग हो रहा है तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि सिंगुलर मतलब वन ऑब्जेक्ट वन पर्सन और वन प्लेस सिंगुलर का मतलब क्या होता है कोई भी एक वस्तु कोई एक व्यक्ति या कोई एक जगह उसी तरह प्लूरल का मतलब क्या होता है मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स पर्सन एंड प्लेस एक से ज़्यादा वस्तु या एक से ज़्यादा व्यक्ति या एक से ज़्यादा जगह अगर होगा तो वहाँ प्लूरल होगा और आप जानते हैं प्लूरल में वेयर का प्रयोग होता है और सिंगुलर में वाज का प्रयोग होता है तो इस तरह से आप याद रखेंगे रिमेंबर यू इज़ नॉट ए प्लूरल बट वी स्टिल यूज़ वेयर विथ यू दिस इज एन एक्सेप्शन टू द एव रूल यह एक अपवाद का नियम है यू जो है तुम या आप यह प्लूरल नहीं है बट स्टिल लेकिन फिर भी इसके साथ वेयर का प्रयोग होता है इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा जैसे आप फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं यू वेयर इन स्कूल स्टडी तुम कल स्कूल में थे अब यहाँ अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने इस वर्कशीट में मुझे आशा है कि काफ़ी कुछ सीखा होगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में थैंक यू